The Wait, question one was, is that. England and Australia celebrate their great test wins, but we don't. Those who forget their past have no future. Why do we always celebrate the 92? I mean, he's right in a way, but I guess I mean, there's I would no. say कि एक तो ये थे कि अल्टीमेटली क्रिकेट इज अ स्पोर्ट दैट द कॉलोनाइजर इम्पोज्ड ऑन अस, और उस उसके देखा देखी में टेस्ट क्रिकेट थोड़ी बहुत तक, एंड या इट वाज पॉपुलर, बट इट वाज रियली व्हेन ओडीआई क्रिकेट केम अराउंड दैट द गेम बिकेम मोर पॉपुलर. 92 वर्ल्ड कप इज द मोमेंट व्हेन क्रिकेट बिकम्स लाइक द नेशनल स्पोर्ट. लाइक उससे पहले ना क्रिकेट वाज नॉट एज कल्चरली डोमिनेंट एज इट वुड गो ऑन टू बिकम. सो आई थिंक अल्टीमेटली दैट्स वॉट बिकम्स अ बिग थिंग. एंड मे बी राइट नाउ फॉर द लास्ट वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक एक तो बहुत 17 साल तक दैट वॉज द ओनली टूर्नामेंट विन दैट वी हैड. एंड देन राइट नाउ लॉट ऑफ लाइक द मीडिया वगैरह इज पॉपुलेटेड बाई पीपल हु वर किड्स वेन दैट हैपेंड. सो वंस टाइम पासिस आई एम श्योर दैट चेंजेस. मुसर्रत ने पूछा है हु डू यू शुड रिप्लेस बाबर एज कैप्टन शॉर्टर फॉर्मेट्स. आई थिंक द शाहीन थिंग वॉज आंसर ऑन दैट. There's quite a lot of Babar questions of similar nature. This one is, love your podcast, all the banter. Like to hear your thoughts on Babar's current form. Do you think he might be facing a mental block? Or has he simply been figured out and has regressed? And what can he do to make it right? So I think the mental block and whatever is off the field, we've discussed a few times on the thing. हाँ, Do you think और he's been figured out? इसकी इसकी ऑन द फील्ड, नो आई डोंट थिंक इट्स इट्स समथिंग दैट्स बीन फिगर्ड, ही इज बीन फिगर्ड आउट सर्टेनली, बट ऑन द फील्ड भी हमने आई थिंक पिछले एपिसोड पे कहा था दैट यू नो वन ऑफ द फ्रस्ट्रेटिंग थिंग्स अबाउट बाबर्स दिस रन ऑफ फॉर्म एंड जनरली आल्सो हैज बीन दैट यू यू कैन सी लाइक फाइव और सिक्स डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ डिसमिसल. वो लेफ्ट आर्म स्पिन पे आउट होता है, वो बोल्ड हो रहा था इनकमिंग डिलीवरी को, नॉट फाइव और सिक्स मैं शायद ज्यादा कह रहा था, मगर गूगली नहीं पिक करता है वाइट बॉल में. यू नो देयर्स थ्री और फोर थिंग्स वेयर यू लाइक थिंक के अच्छा हाँ इस पे बाबर की है वीकनेस, बट देन देयर आर आल्सो मेनी मेनी ओकेजंस वेयर ही प्लेज ऑल ऑफ दिस विद एब्सोल्यूट कंफर्ट एंड ईज. आई थिंक इसका मैंने एक तस्करा करा था अपने आर्टिकल में आज ही, जो आर्टिकल था कोचिंग के बारे में, कि यू नो अभी जैसे बाबर के साथ जो हो रहा है, जो फॉर्म्स का चल रहा है, हु डज ही रीच आउट. पाकिस्तान हैव हैड सेवन बैटिंग कोचेस, फाइव सॉरी फाइव डिफरेंट बैटिंग कोचेस इन द लास्ट लाइक 2 3 इयर्स. तो हु इज ही स्पीकिंग टू? ही इज गोना बी लाइक यार मैं किस इससे क्यों मैं बात करूं, ये तो परसों इसे चला जाना है कहीं और, ये रहेगा नहीं कोच. तो यू नो हु डज ही स्पीक टू, हु गाइड्स हिम इन 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 दीज थिंग्स. सेम प्रॉब्लम विद अब्दुल्ला शफीक, कौन है जो उनकी मदद कर सकता है उनके. सो नाउ आई यू वुड होप दैट विद कर्स्टन देयर मे बी यू नो फॉर अ वाइल, विद गिलेस्पी देयर फॉर अ वाइल, पीपल हु कैन हैव लाइक proper conversations with him about what's happened to his game. I don't know if he's willing to have that conversation, but these are the conversations that should begin, and it's going to start from there. जब एक आप acknowledge करेंगे ना कि बाबर ने भी तो अभी तक तुमने भी देखा होगा, he hasn't really acknowledged his lack of form in places That's because anywhere. Virat hasn't tweeted him, "This too shall pass." Like This too shall he's pass. waiting. वो जब एक्नॉलेज होगा ना कि हाँ मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ थोड़ा सा फॉर वट एवर रीजन, वो जब बात करना शुरू करेगा कोचेस से या किसी से जो एक एक स्टेबल प्रेजेंस है उसकी उसकी क्रिकेट करियर में, व्हेन ही स्टार्ट्स टॉकिंग टू देम, देन आई एम श्योर ही विल गेट ओवर इट, बिकॉज वी हैव सीन इन द पास्ट दैट यू नो ही इज क्लियरली गुड इनफ, ही इज बेटर देन व्हाट ही इज बीइंग राइट नाउ. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट टू मी. ठीक या है, लेट्स मूव ऑन. लक्ष्मण सेज, व्हेन विल पाकिस्तान प्रोड्यूस स्पिनर्स एज गुड एज इट्स क्रिकेट पंडित स्लैश राइटर्स. आई वांटेड टू ब्रिंग दिस अप क्योंकि दिस समथिंग बीन क्राइंग अबाउट फॉर एवर, राइट? कि आपके पास, लाइक आई वुड से द लास्ट वर्ल्ड क्लास स्पिनर दैट वी हैड वाज मे बी लाइक अजमल, राइट? और यासिर उसके शाह, बाद हेलो. लाइक यासिर शाह हैड वर्ल्ड क्लास मे बी पीक्स, बट ही रियली काइंड ऑफ I think He had like he a didn't do 33 test peak, यार. यानी रिकॉर्ड तोड़े चलो उसने ठीक है, 200 आई गिव के. देम यासिर शाह, फाइन आई टेक यासिर शाह, राइट? बट लाइक द पॉइंट इज यासिर शाह करियर स्टार्ट्स मतलब अजमल के बाद से जो स्पिनर्स आ रहे थे, अ लॉट ऑफ देम हैड टू डील विद द फैक्ट कि रैम्बो साहब ने सारी आपकी पिचेस बदल दी थी. सो देन द ओनली बॉलर्स हु वर वर्किंग डोमेस्टिकली वर गाइस हु वर बॉलिंग 120 एंड दे आर स्विंगिंग लाइक क्रेजी. If there were spinners, there was really like usually slow left arm types who could like keep it stump to stump, pick up LBs. It really has really affected Pakistani batting and bowling for a long time.
I think uske baad se, when these kind of changes started being addressed around 10 years ago, one big change has been also that that coincided with the start of the T20 format. Well, the PSL, T20, the pehle se tha. Aur usme definitely, you know, spinners are now getting like a lot of mixed signals in terms of their development. And I think Pakistan definitely does not have the focus to develop decent spinners. And then once again, thoda sa bhi koi run aayi thi, we've now, thanks to Mr. Rambo, once again messed up with our pitches. To matlab 10 saal lage unko kharab, phir koi 4-5 saal ke liye us pe kaam hua aur ab phir se wo kharab ho rahi hai. So that's, I think, the main reason we haven't. Yeah, generally, I think the pool of talent is shallow right now, generally. But a very quick point I'll make is that historical context is that 70s tak, late 70s tak, 80s ke start tak, Pakistan ki jo domestic wicket-taking charts hote the, they were dominated by spinners. Left-arm spinners, leg spinners, off-breaks. Like 8 out of the top 10 wicket-takers for every season would always be spinners. So, you know, one way of looking at it is that the fast bowling, that is the anomaly, and not, you know, spinners have dominated historically domestic charts. So, abhi jo unka time chal raha hai, jo itne achhe spinners nahi hai, it's a cyclical thing, maybe related to, like you say, pitches and various other, you know, policies in how they deal with spin. There was a huge crackdown on action. And then stages world class count karne, then Pakistan could, you can argue that has had an unbroken world class kind of player playing for them for most of, yeah, the one they've always had. You know, Imran's time, they had a lot more. He just didn't play them. Yeah, it was Javed who used to bring the spinners in when they had that opportunity. So anyway, yeah, that,